29 मार्च के पीटीआई के ट्वीट के मुताबिक यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भारत में सभी ट्रकों को चलने की बात कही, यानी देश में सभी ट्रकों के पहिए चलते रहेंगे, उन्हें नहीं रोका जाएगा। साथ ही ट्रक चालकों को बिना पास के चलने की राहत देने की चर्चा भी जोरों पर है, यानी कुल मिलाकर ट्रक चालकों को तमाम सहूलियतें देने की बात की जा रही है। लेकिन न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष के पास जो वीडियो सामने आए हैं उसके मुताबिक ये बात साबित होती है कि ट्रक चालकों की हालत देश में लॉकडाउन की वजह से बहुत खराब हो गई है। वह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उन्हें चलने भी नहीं दिया जा रहा है। कहीं ट्रक चालकों को पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है तो कहीं चालक 10 से 15 दिनों तक बगैर नहाए व भूखे ही समय काट रहे हैं। पार्टियां फोन नहीं उठा रही और मालिकों की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं चालकों की लॉकडाउन में परेशानी की कहानी उन्हीं की जुबानी। हाँ देखो जी, हाँ साढ़े बंदे हो रात पुलिस वाले मारे खलोती गड्डिया सुत्या आके मारे भी इतो गड्डिया लै जाओ। हाँ देखो हाँ बाबा भैंग इन मारे आवे आ गिटा भी दिखा अपना आवे यहाँ गिटा किधर कट दिता मार मार के देखो की आता साढ़े कि धक्का किया गड्डिया शीशे बंगाल की पुलिस ने हंसी मारे गुरद्वारे खलोते हाँ पहला कल उथे कुट के कडिया फिर पंजाबी दे होटल खलोते हाँ सानू तो लगता पंजाबी ने आप सद्या जी हाँ पंजाबी ने आप सद्या वह कोल खलोता जी पुलिस वाले ने शीशा तोड़ दिता इधरला भी तोड़ दिता पंजाबी ने आप सद्या पुलिस वाले नू ਤ੍ਰਿਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂਚਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 10-10 12-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ पार्टी वाले को फोन करते हैं वो बोलता कि मेरे को फोन मत करो है जब खुलेगा तब बंद होएगा पूरी बताओ अब क्या खाए यहाँ कहाँ जाएगा नहीं इधर बहुत लोगों का माड़ा हाल है किसी भी सुनवाई होनी चाहिए इधर कोई भी ड्राइवरों के बारे में आज तक न्यूज किसने दिखाया नहीं कोई क्या है क्या कैसे फंसे उस पर खाना भी है पानी भी है नहीं है 14 दिन मेरे को हो गए इधर खड़े हुए पार्टी वाला फोन नहीं उठा रहा ना पैसे डलवा रहा है मालक बुरे हाल बन के दिहाड़े इधर खाने से भी बैठे हैं ऐसे 15 दिन हो गए आज खड़े हुए हमारे को भी भाई हमारी भी कोई सुनवाई करो भाई हम भी इंसान हैं हम दुनिया के खिलाफ हम भी मर जाएंगे बाकी क्या होगा बीमारी से तो खरे कोई मरेगा नहीं भूखे भूखे आदमी मर जाएगा भूखे पहले मर जाएगा इधर बहुत परेशानी है ये हरियाणा वाला प्रधान बोल रहा थी मैं आगे भेजूंगा ये गाड़ियां करनाल की ट्रक यूनियन पात्रा ने इसकी सुनवाई जरूरी होनी चाहिए गड्डिया खाली करवाओ अगो गड्डी कोई लोड करे या ना करे अगले की जिम्मेदारी अमर को अपने घर पहचाओ आराम से बस और भी मार बाहर से आ रहे थे ड्राइवरों में से और पब्लिक में से कांस में मारी आगे भाई और गाड़ियों में ही बैठे हैं हम वैसे ही बीमार हो जाएंगे ना कोई खाना मिल रहा ना पीना ना नहाने धोना 15 दिन हो गया एक ही कपड़े डाले शहर बाजार लेन जाते पुलिस वाले तंग करते हैं होटल होटल आए होटल में खड़े होटल ही बंद पड़े आदमी क्या करेगा है होटल ही बंद है कोई किसी होटल वाले को तो पुलिस वाले नहीं खोलने दे 150 रुपया पार्किंग है गड्डी खड़ी करने दी गड्डी खड़ी करने दी 150 रुपया पार्किंग दो बंदे का 250 रुपया खरा गए 15 रुपये कप चाय दसो इतने कौन खाएगा कोई 400 रुपया खर्चा देंदा मालक अगला की खाऊगा इतने बोलो बोलो कि आगे कोई सुनवाई होगी तो आने जाने नहीं है ये जब कोरोना से तो मरेंगे नहीं वैसे ही मार देगी गवर्नमेंट तो कोई सुनाई नहीं हो रही कोई लेना नहीं कोई देना नहीं कोई 25 रुपए चाय के ले रहा है कोई 15 ले रहा है खाना खुराक की कोई 150 ले रहा है कोई 200 ले रहा है मालक है वो पैसे नहीं डाल रहे उधर पार्टियां है वो फोन नहीं उठा रही ये कोई थोड़ी है कोरोना सब कहीं लगे हम तो एमपी में भी चेक हो चुके हैं हमारा मेडिकल हो चुका है सारा काम हो चुका है
चार पांच दिन टाइम दो, जो जो जहाँ फंसे हुआ आदमी तो निकल जाए कम से कम अपने घर तो जाए, बीवी बच के यहाँ क्या मिल रहा है, जो जेब में पैसे था वो भी आएगा खत्म हो गया, क्या करेगा। इधर तो एक आदमी है, जो बीमार उसको कौन ले जाएगा, मर जाएगा उसको, तो कोई नाली में फेंकेगा उसको, कोई सरकार भी नहीं करेगा, वो घर में थोड़े उसकी डेट हो रही है, वो यहीं फेंक दे। हां तो गाड़ियों का नंबर डाल दो, नंबर नंबर डाल दो अपनी, इधर मेरी मेरी की प्लाई बोर्ड वाली गाड़ियां के सारी। हां लॉकडाउन अभी 14 अप्रैल तक है, लेकिन चालकों को सरकार की तरफ से राहत की बात कही तो जा रही है, मगर उन्हें खाने में सिर्फ लाठियां और रहने के लिए उनके ट्रक के कैबिन ही मिल रहे हैं। सरकार को ट्रक चालकों के लिए भी सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे इन्हें भी राहत मिल सके। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।